Good morning, everyone. How are you all? I hope you are very fine. As we all know, it's Wednesday today, right? Today is 28th of April and 2021, right? So today we have a physical exercise day, right? तो आज मैं आपको सिखाऊंगी योगासन करना. आज हम योग शुरू करेंगे बिकॉज योग जो है उसी से हम रोग से मुक्त रह सकते हैं. तो सबसे पहला जो आसन है वो है कि आपको योगा करते टाइम कैसे बैठना होता है. उस आसन को बोलते हैं पद्मासन. ओके, पहले अपनी राइट लेग जो है वो अपने इस लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग के ऊपर रखें. फिर लेफ्ट लेग जो है यहाँ पर ऐसे. आपको जब भी योगा करने के लिए बैठना है आपको इसी पोजीशन में बैठना है ऑलवेज. इसको बोलते हैं पद्मासन. ओके, उसके बाद वी हैव नेक्स्ट जैसे सेकेंड आसन एज अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम में क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, मतलब जहाँ से आप सांस लेते हो आपके लंग्स के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. इसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट नोस्ट्रल पे अपना थंब रखना है. ओके, और सांस लेनी है लेफ्ट नोस्ट्रल से. फिर थोड़ी देर होल्ड करना है और यहां से पकड़ लेना है. फिर थंब छोड़ना है और सांस छोड़ देनी है. एक बार और करेंगे. अब मैं यहां से पकड़ूंगी, समझ आ गया? आपको एक नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है. ओके, हमारा थर्ड आसन जो है वो है तितली आसन. ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है. इसके लिए क्या करें, अपने दोनों फुट्स को ऐसे जोड़ें और नीचे से अपने फुट्स को पकड़ें और जैसे बटरफ्लाई करती है ना फ्लाई, वैसे आपको अपने लेग्स को फ्लाई फ्लाई करना है. अब इसको बोलते हैं तितली आसन. ओके, ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. स्ट्रेचिंग इसमें होती है, सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है. सभी बच्चे ये तीनों आसन करके अपनी अपनी वीडियो जो है या फोटोज अपनी मैम को सेंड करेंगे. ओके, अब जब आपका योग खत्म होता है तो आपने वापस पद्मासन पे आ जाना है. ठीक है, ऐसे करके. ओके, धन्यवाद.